अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कोल्हू हैं, उनको भी स्वीकृति दी और आज 284 कोल्हू लगभग इस तरह के हमारे चल रहे हैं, जिनमें लगभग 73,000 टन गन्ने की पिराई होती है। 20 मिल की क्षमता की बराबर वो पिराई करते हैं। मैं मानता हूँ एक बड़ी मिलों से हमारे गन्ने की पिराई होती है, रोजगार मिलता है, लेकिन छोटे उन कोल्हुओं से भी बहुत बड़ा रोजगार मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना, मुझे 38 साल पहले इस विधानसभा में आने का मौका मिला था। मैंने वो दिन भी देखे हैं, एक जब शुगर फैक्ट्री एक तरफ से बंद हो रही थी, एक तरफ से बिकने का नंबर चल रहा था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण आज फिर से शुगर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की एक सबसे मजबूत इंडस्ट्री के रूप में उभरी है। इसके लिए जैसे जैसे इथेनॉल की मात्रा और बढ़ती चली जाएगी, आप लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है, मैंने संजय भूष रेड्डी जी से भी कहा था और आप सबसे भी जब कभी मिलता हूँ मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल प्लांट लगने चाहिए। जब कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल प्लांट लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी शुगर इंडस्ट्री और मजबूत होती चली जाएगी। मैं अभी टोयोटा का जिक्र हो रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा, उनकी बात कभी कोई टालता नहीं है, लेकिन वो इनसे ये कहें कि उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा कारखाना इसका लगा दें तो हमारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा और इनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा।